परम शांति। जो ये महासूर हैं, जो महाब्रह्मांड गैलेक्सी में चारों ओर घूमते रहते हैं, वो हमारी गैलेक्सी के नहीं हैं। पूरे यूनिवर्स में खरबों अनंतानंत गैलेक्सियां हैं, उसी में कई गैलेक्सियों के जब ब्रेकअप हो जाते हैं तो कई गैलेक्सी टूट जाती हैं, तो वो टूटने के कारण कई ऐसी आत्माएं पैदा हो जाती हैं जो 3 कला की है, 2 कला की है, 4 कला की हैं। वो आत्माएं वो सर्जन नहीं करती, वो आत्माएं ब्रह्मांड का सर्जन नहीं करती, वो घूमती फिरती रहती है, घूमती फिरती रहती है बहुत बेहिसाब समय से। कितने समय से घूमती होगी? बेहिसाब समय से गैलेक्सी में, यूनिवर्स में। जैसे ये सब क्रिएट हुए थे, यूनिवर्स जब हमारा बना, तब 8 कला से ऐसे ऐसे धीरे 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 क्रिएट होने लगे। हमारे यूनिवर्स है 16 कला सा, और हमारा यूनिवर्स का परमधाम 16 से 20 कला का है। अब ये 16 कला से 14 कला मूल वतन है, 14 कला से नीचे 8 कला तक सूक्ष्म वतन है, तो 8 कला से नीचे जिसे जैसे सारी लोग आए, पूरा यूनिवर्स के लोग धीरे धीरे 8 कला से नीचे आने लगे, तो धीरे धीरे परम तत्वों की क्वालिटी कम होने लगी और स्थूल तत्व बढ़ने लगे, धीरे धीरे बढ़ने लगे, तो 8 कला, 7 कला, 6 कला, 5 कला, 4 कला, तो धीरे धीरे नेगेटिविटी, जैसे नेगेटिविटी बनती गई और पॉजिटिविटी कम होती गई, तो ऐसी कई आत्माएं, बेहिसाब आत्माएं जो चारों ओर नेगेटिव बनती गई, नेगेटिव बनती गई, फिर वो ऐसी तरह ये महासुर बन गए। और ये महासुर जो अभी 0 कला में आ गया यूनिवर्स, तो जो 0 कला में जो गैलेक्सिया के बाहर के जो आउटर होते हैं, 6 लेयर होते हैं, 6 लेयरों में परम तत्वों की मात्रा ना के बराबर होती है। वहाँ परम लाइट तो होती नहीं है, मगर परम तत्वों की मात्रा भी बहुत कम होती है, ना के बराबर होती है। तो उनको वो डायल्यूट नहीं होते हैं, उनको डायल्यूट होने के लिए कम से कम ये 4-5, समझो कि 2-3-4-5 कला के आसपास की आत्माएं हैं। तो 3-4-5 कला की आत्माएं दूसरों से पावर लूट लूट के ये बहुत बड़ी बन जाती हैं, तो उनको डाइल्यूट होने के लिए कम से कम 10-12-15 कला की आत्मा का परमधाम चाहिए। कितना? 15 कला का परमधाम हो, 15 कला का महापरमधाम हो, तो ये महापरमधाम में जाए तब डाइल्यूट होगी। ये ना महाविष्णु उसको डाइल्यूट कर सकता है, ना महाब्रह्मा डाइल्यूट कर सकता है, ना महाशक्ति, क्योंकि महाशक्ति समझो कि 4-5 कला की परम लाइट की क्वालिटी की आत्मा है, तो वो आत्मा उस आत्माओं को नहीं डाइल्यूट कर सकती, ना उसको मार सकती है, इसलिए ये हावी हो जाते हैं और धीरे धीरे सबकी पावर चुरा चुरा के ये हैवी बन जाते हैं और इतने बड़े महासुर बन जाते हैं कि ये केवल गैलेक्सियों को तबाह करते हैं, मगर बहुत कम संख्या में होते हैं, ऐसी संख्या बहुत कम है, कई कई, मगर छोटी छोटी गैलेक्सियों को कर सकते हैं। बड़ी गैलेक्सियों जैसे 11-12 कला की गैलेक्सियां हैं, तो जैसे हमारी गैलेक्सियां हैं, तो उनमें ये नहीं, क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में बड़ी गैलेक्सी है, तो उसमें कुछ नहीं कर सकते। ये छोटी छोटी गैलेक्सियाँ जहाँ 10,000, 20,000, 25,000, 16 सिस्टम की गैलेक्सियाँ होती हैं, उसी में ये लोग दंगा प्रसाद करते हैं, छोटे छोटे 16 सिस्टम के साथ भी ऐसा करते हैं। तो ये सब ऐसे धरती पर भी असुर होते हैं, तो पहले छोटा ग्रुप बनाते हैं, फिर छोटे ग्रुप के साथ चोरी लूटपाट करते हैं, बड़े ग्रुप बन जाते हैं, बड़े बड़े ग्रुप के, फिर धीरे धीरे राजाओं को परास्त करते हैं और राजा ही बन जाते हैं, राजा बन जाते हैं। तो ऐसे ये देवलोक भी छीन लेते हैं, बड़े बड़े असुर, देवलोक भी, देवता के इंद्र को भी भागना पड़ता है, ये ऐसे असुर ब्रह्मापुरी तक भी पहुंच जाते हैं। तो ये एक व्यवस्था थी कि हमारे विष्णुपुरी में असुर नहीं जा सकते, क्योंकि ये असुर हैं, वो महासुर। असुर और महासुर में जमीन आसमान का अंतर है। ये असुर तो केवल हल्की क्वालिटी के होते हैं, बहुत बहुत ही हल्की क्वालिटी के, मगर महासुर तो 2-3-4 कला से 5 कला से ऊपर के भी हो सकते हैं, और वो पावर इकट्ठी करते करते बहुत बड़े असुर बन जाते हैं। इसलिए साधारण इनको मत समझो उनको, वो हाँ ये कोई
महापरम धाम जो 10-12 कला का है, और उसके अंदर उनको भेजा जाए सबको मिलके, 10-12 कला का परम धाम हो तो उनको अंदर भेजा जाए, तो भी असुर वो डाइल्यूट नहीं होंगे। शायद हो सकता है कि 4 कला का हो तो 3-4 गुनी तो पावर चूस लेगा, तो 15-16 कला तक का परम धाम तो उसको डाइल्यूट नहीं कर पाएगा। उसको डाइल्यूट करने के लिए कम से कम 20 कला का परम धाम चाहिए, कम से कम 20 कला का। तो ये यूनिवर्स के परम धाम में जाए तो ही डाइल्यूट हो सकते हैं, मगर यूनिवर्स के भी बाहर के आउटर में, उसको बाहर के जो 6 लेयर हैं उसमें तो परम तत्वों की मात्रा ना के बराबर होती है। 3 तत्व होते हैं, ज़्यादातर 3 तत्व होते हैं, तो 3 तत्वों में तो डाइल्यूट नहीं हो सकते। इनको डाइल्यूट होने के लिए 20 कला का परम महापरम धाम चाहिए, उसके अंदर उसमें डाला जाए, जैसे बोलते हैं ना आग में झोंक दो सब जल जाता है, तो 20 कला का परम महापरम धाम हो तो ये सब आत्माएं, 4-5 कला वाली जो नेगेटिव आत्मा है, महासूर 2-3-4 कला 5 कला वाली, तो 4 गुना भी पावर लेते लेते वो डाइल्यूट हो जाएंगे। तो उसको मुक्त करने के लिए 20 कला का पावर चाहिए, और वो भी 20 कला का महापरम धाम चाहिए। ऐसे वैसे ये नहीं डाइल्यूट होते या मुक्त नहीं होते, इसलिए तो मुक्त के लिए, ऐसी आत्माओं को मुक्त करने के लिए, हाई क्वालिटी आत्माओं को मुक्त करने के लिए, ऐसी असुर बन गए हैं ऐसी आत्माओं को मुक्त करने के लिए 20-30 कला की पावर चाहिए, कम से कम 20-30 कला की परम लाइट की क्वालिटी वाली परम लाइट हो, परम तत्व तो नहीं चलेगा यहाँ, परम लाइट हो, 20-30 कला की परम लाइट हो तो सब डाइल्यूट हो जाएंगे। परम शांति।